हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपको इस तरह से हलवाई जैसे खुरमे बनाने हैं, पर उसमें थोड़े से मैंने ट्विस्ट दिया है, जिसमें मैंने मोयन में तेल या डालडे का यूज़ नहीं किया है, बल्कि मलाई और खोया का यूज़ किया है। इसके कारण खुरमे का स्वाद बहुत ही अच्छा है। ये एकदम बालूशाही जैसा ही है, ऊपर से काफ़ी क्रंची है, अंदर से काफ़ी जूसी है। अगर आपको इस तरह के खुरमे की रेसिपी बनानी है तो आपको पूरा वीडियो वॉच करना होगा। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक स्वीट रेसिपी बनाएंगे जिसका डो लेंगे। एक कप हमने ये मैदा रखा है, हाफ कप यहाँ रखा है, बिना सोडे का हमें बनाना है। ये मैंने रखा है क्रीम, एक चम्मच, दो चम्मच और तीन चम्मच बड़े हम डाल देंगे क्रीम। इसे हाथ से निकाल लीजिए क्योंकि जमा हुआ है। तीन टेबल स्पून हमने खोया लिया है, इन्हें अच्छे से हम मिक्स करेंगे दो फॉर्म में। अगर आपके पास खोया ना हो तो आप क्रीम और अधिक अपना डाल सकते हैं, खोया थोड़ा सा स्वाद बढ़ा देगा, इसलिए मैंने डाला है। इसे हमें मिक्स कर लेना है और ज़रूरत पड़ी तो हम एक चम्मच और डाल लेंगे इसके अंदर क्रीम। देखिए, बड़े चम्मच ही हम डाल रहे हैं और फिर इन्हें मिक्स कर लेंगे। डो देखिए हमारा तैयार होने वाला है। थोड़ा सा इसे हमें इस तरह से मिक्स करना है। देखिए बन नहीं रहा है तो इसके अंदर आप पानी डाल के इसे गूंथ सकते हैं या तो दूध डाल के। दूध ले लिया है पर मैं उतना ही डालूंगी जितनी ज़रूरत होगी, एक चम्मच और दो चम्मच अभी मैं डाल दे रही हूँ। दूध मैंने गर्म करके वो ठंडा किया हुआ लिया है, एकदम टेम्परेचर इसका नॉर्मल है। आप गुनगुना दूध भी ले सकते हैं, हमें और ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि इसलिए हम चम्मच से डाल रहे हैं ताकि थोड़ा थोड़ा दूध जाए। ये जो क्रीम है ये भी डो को काफ़ी मॉइस्चर दिया है और खोया भी। चार चम्मच लग चुके हैं, हमें लगता है छः चम्मच लग जाएंगे। ये पूरे छः हमने डाल दिए। अब मैं डो को इकट्ठा कर लूँगी तब आपको फिर बताऊँगी। छः चम्मच डालने में ये डो देखिए आपस में जुड़ जा रहा है, हमें इसे इसी तरह से गूंथ लेना है ताकि आपस में ये मिक्स हो जाए। उसके बाद हमें डो को रेस्ट के लिए रखना है, इसे बहुत गीला नहीं करना है, सॉफ्ट रोटी जैसा नहीं, पूरी की तरह इसकी डो तैयार करनी है हमें। अभी जो बचे हुए आटे साइड में आपको दिख रहे हैं वो भी मैं इसके अंदर जोड़ लूँगी बिना पानी डाले। अगर आपके पास मलाई और दूध ना हो तो आप तेल का यूज़ या घी का यूज़ करके तब आप डेढ़ कप में अपने छः चम्मच तेल डालिएगा या घी डालिएगा और इस डो को तैयार कर लीजिएगा। डो को हमने गीले कपड़े से ढककर रख दिया। डो एकदम देखे ढके थे तो एकदम सॉफ्ट बनाए, से थोड़ा सा मसल ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं मसलना है। और इसके पोर्शंस कट करेंगे हम, तीन पोर्शन में इसे काटेंगे। और एक पोर्शन लेके हम इसका इस तरह से डो को करते हुए ऐसे एक राउंड शेप देंगे और उसके बाद इसे हमें मोटा बेलना है। इस तरह से हम करेंगे। इसी तरह और भी तीन जो है, दो पोर्शन हमारे और बचे हैं, उन्हें भी इसी तरह हम बना देंगे। और इसके को देखिए हमने काट दिया, जो एक्स्ट्रा ट्रिम नहीं किया है साइड की पीसेस हैं उनको भी हम हटा देंगे। और जो ये पोर्शन हटेगा उसके बाद जो बचेगा इन्हें भी हमें बेल के सेम इसी तरह बनाकर कंप्लीट करना है। खुरमा काट के सेपरेट कर दिया, 5 मिनट के लिए हमने इसे फ्रिज में रख दिया था, उसके बाद बाहर निकाला। ये भी मैंने रख दिया था पर अब इनको मैं अलग करूँगी। कढ़ाई में तेल रखा है, तेल हल्का सा गर्म हो रहा है और इसे एक एक पीसेस डालना है। देखिए तेल बहुत गर्म नहीं करना है, थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, जैसे हम बालूशाही जब बनाते हैं तब करते हैं। और एक एक पीसेस को डालना है, हमें एक साथ नहीं सब डाल देना है ताकि इनके शेप ठीक ठाक रहें, एकदम जिस तरह हमने काटे हैं उसी तरह से रहें। फ्लेम को हमने अभी मीडियम रखा है और अब फ्लेम को हम स्लो कर लेंगे। आप देख रहे हैं फ्लोटिंग होके एकदम फ्लोट हो रहे हैं हमारे खुरमा और ऊपर की तरफ आ गए हैं। मैं अब भी डाल रही हूँ थोड़े से पीसेस और अब बंद कर दूंगी और इन्हें हम थोड़ा सा हिला लेंगे। चम्मच के पिछले हिस्से से मैं हिला रही हूँ ताकि तेल रोटेट कर जाए। ये तेल को ऐसे हमें घुमाना है थोड़ा सा
सेम उसी तरह आपको करना है जैसे आप गुलाब जामुन करते हैं या बालूशाही, उसी तरह देख रहे हैं कितना मोटा हो रहा है, एकदम फूल रहा है काफ़ी अच्छे से। इसका शेप भी बहुत बढ़िया है, जो कि मैंने इसमें रिफाइंड ऑयल का यूज़ बिल्कुल नहीं किया है, थोड़ा सा खोया मैंने अलग टेस्ट डालने के लिए डाला था, और इसमें थोड़ा सा मैंने क्रीम का यूज़ किया है, बिल्कुल बेकिंग सोडा वगैरह मैंने बिल्कुल नहीं डाला। ये अपने शेप जितना मैंने मोटा काटा था उससे 2.5 गुना ये फूल गए हैं। मैं आपको दिखाऊंगी, इस तरह से एक छर्रा लगाएंगे और जिसमें मैं डालती चली जाऊंगी और दूसरे वाले से मैं निकाल लूंगी। इससे ये होगा कि हमारा जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाएगा और कढ़ाई में से ये हम फटाफट निकाल लेंगे। देखते हैं इसका परफेक्ट एकदम कलर आया। अगर आप थोड़ा और डार्क करना चाहें तो 1 मिनट इसे और रख सकते हैं, पर मैं इतना ही डार्क करूंगी। अब हम धीमे धीमे एक हाथ से इसे हमने पकड़ा है और दूसरे हाथ से एक एक करते हुए फिर हमने खुरमा डालना स्टार्ट कर दिया है। फ्लेम तेल गर्म है इसलिए फ्लेम को हमने लो ही रखा है। कढ़ाई मैंने रखी है, अभी गैस नहीं ऑन किया है। एक देखिए बड़ी कटोरी जिसमें 400 ग्राम तक चीनी आती है, और इस चीनी को मैंने डाला। उसके बाद मैंने इसी कटोरी से देखे हैं आप 1/4 हम पानी डालेंगे इसमें, और अब गैस को हम ऑन करेंगे। और गैस जलाते ही आपको इसको रेगुलर चलाना होगा। पानी बहुत ज़्यादा मैंने नहीं डाला, थोड़ा सा चीनी में हम डाल देंगे नींबू चाशनी, तो एकदम क्लियर है। नींबू का रस डाल दे रहे हैं और इसे, क्योंकि नींबू का रस जो है क्रिस्टलाइजेशन को रोकता है और हमारी चाशनी अच्छे से तैयार हो जाती है। आपको दिख रहा होगा चाशनी में काफ़ी बॉयल आ रहा है। फ्लेम को हम कम कर देंगे क्योंकि हमें चेक करना है अभी, नहीं तो जो चाशनी है हमारी पूरी तरह से सूख जाएगी। हम देखिए इस कटोरी के तले पे ही लगा के चेक कर ले रहे हैं। ये देखिए इस तरह से हम जब लगाएंगे, और उसके बाद आपको दिखा दें, ये देखिए ये पूरी तरह से चिपक रहा है और थोड़ी देर और लगेगी। अब भी हमें इसे लगाते रहना है कि फिर से हम इस चाशनी को इस पे लगा के देखेंगे, इस पे ही डालेंगे। और आपको दिख रहा होगा ये चाशनी अच्छे से चिपक गई। मैं इसको देखूँ, इसमें तार बन रहा है। देखा हमने जब उंगली लगाया तो ये तार काफ़ी अच्छे से खिंच के आ रहा है। अब हमें इसमें खुरमा डाल देना चाहिए। फटाफट मैं इसमें अपने खुरमे को डालूंगी और इस तरह से हम डालेंगे, और डालते ही इसे हिला लेंगे ताकि अच्छी तरह से कोट हो जाए। अभी गैस मैंने ऑफ नहीं किया है, तुरंत मैं गैस को ऑफ कर दे रही हूँ। देखिए ये मैंने एक तोड़ के देखा था, वो हमारा मैंने सोचा था थाली में से निकाल लेंगे, तो अब गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे, इसे कोट होने देंगे। ये देखिए काफ़ी अच्छी तरह से अब ये कोट हो जाएगा। आपको डालने के बाद इसे चलाना होगा, नहीं तो ये जो है आपस में एक दूसरे से चिपक जाएंगे। हमारे खुद मैंने चाशनी को एकदम अच्छे से पी लिया और पूरी तरह से हमारी चाशनी ठंडी हो चुकी है। अब हम एक खुरमे को निकाल लेना चाहिए। खुरमे को मैं उसी प्लेट में निकाल लूंगी जिसमें मैंने बनाकर पहले रखा था। इसका टेक्सचर एकदम बालूशाही की तरह है, जैसे हम बालूशाही बनाते हैं। उम्मीद है आपको हमारी खुरमे की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी के साथ हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।